हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजन पुरोहित और गेट जनरल एप्टीट्यूड पे मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ टॉपिक वाइज करा रहा हूँ आज मैं आपके सामने डायरेक्शन सेंस पे सेकंड वाली क्लास ले रहा हूं इससे पहले फर्स्ट क्लास में ले चुका हूं तो आई टैप पे आप जाके देख लीजिए मैं बताना चाहता हूं कि गेट के अंदर जो होता है वो कंसेप्ट रिपीट होता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है और कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सभी आपके गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अलग अलग ब्रांचेस में आए हुए हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं सुन डायरेक्शन शेन्स पे पहला क्वेश्चन लेते हैं क्या बोल रहा है सुन अ अ अ पर्सन पर्सन एक्स एक्स ड्राइविंग ड्राइविंग इन इन प्लेस प्लेस क्या बोल रहा है पे वेयर ऑल द रोड ईच अदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट राइट तो सुन यहां यहा नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट तो मैं मान लेता हूं यहां पे हमारे पास ये सो मान लेता हूं यहां पे हमारे पास ईस्ट और वेस्ट में इस तरह से हमारे पास रोड जा रहा है क्लियर है

तो यार ये बंदा यहां से स्टार्ट करता है ओके okay, मान लीजिए पी पॉइंट से ये स्टार्ट करता है क्लियर है अब पढ़ते हैं है ना अब ये क्या हो रहा है ही स्टार्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू रोड ड्रॉ थ्री किलोमीटर नॉर्थ अब तीन किलोमीटर मैं बताना चाह रहा हूँ डायरेक्शन का थोड़ा सा आइडिया लेजिए सुनिए नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है राइट तो सर नॉर्थ में तीन किलोमीटर गया तो यार तीन किलोमीटर नॉर्थ में गया मतलब ये यूं चला जाएगा राइट ये थ्री किलोमीटर गया क्लियर है इसमें यह वन किलमीटर की डिफरेंस है तो ये भी हमारे पास वन किलोमीटर का डिफरेंस राइट दिस इज अगेन वन किलोमीटर राइट ये जो वन किलोमीटर है ये भी वन किलोमीटर है क्लियर है ये आपको ध्यान देने का अभी थ्री किलोमीटर इधर गया क्लियर है एंड देन बोला थ्री किलोमीटर वेस्ट तो वेस्ट हमारे पास ये डायरेक्शन होती है तो ये वापस थ्री किलोमीटर हमारे पास यू गया राइट दिस इज अगेन थ्री किलोमीटर वेस्ट राइट right? अब आगे बढ़ते हैं एंड फोर किलोमीटर साउथ अब फोर किलोमीटर साउथ गया तो यार ये तीन किलोमीटर यहाँ था और एक किलोमीटर ये तो फोर किलोमीटर ये यहाँ पे आ जाएगा राइट इस इस इसमें टोटल ये तीन ये है और ये तो ये यहाँ पहुंच जाएगा राइट फोर किलोमीटर यहाँ आ गया ियर इस पोजिशन पर आ गया वो क्लियर है है ना ठीक है विच फर्दर रूट कुड आ, ब्रिंग हिम बैक टू हिस्स अब ये ये मान लीजिए हमारे पास ओ पॉइंट अब ये वापस यहां पे आना चाहता है तो ये बोल रहा है कि टू इज स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड उसको रिपीट नहीं कर रहा है सेम रूट तो यहां पे आपको रोड के थ्रू ही जाना है तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है थ्री अब ये बंदा यहां से यहां पहुंचना चाहता है तो ये बोल रहा है कि थ्री किलोमीटर तो ईस्ट चले एंड टू किलोमीटर साउथ चले तो तीन किलोमीटर देखो ये हमारे पास यहां से यहां तक कितना तीन, तीन किलोमीटर की डिफरेंस है तो ये भी थ्री किलोमीटर ही है स्टूडेंट अरे भाई ये थ्री किलोमीटर ये भी किलोमीटर ही, ही होगा राइट इसका मतलब ये किलोमीटर यू गया एंड टू किलोमीटर साउथ गया तो यार ये तो वन किलोमीटर है भैया यहां से वन जाएगा तो सीधा पहुंच जाएगा मतलब ये तो गलत हो गया ना अब देखो अगर थ्री किलोमीटर यू गया ईस्ट में गया और वन किलोमीटर यू गया तो पहुंच जाएगा यहाँ पे सर ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब देखो वन किलोमीटर नॉर्थ अगर ये वन किलोमीटर नॉर्थ जाता मतलब यू गया वन किलोमीटर एंड किलोमीटर वेस्ट तो टू किलोमीटर तो तो यहां पहुंचेगा जबकि इसको तो पी पॉइंट पे पहुंचना नो दिस इज नॉट करेक्ट थ्री किलोमीटर साउथ किलोमीटर साउथ जाएगा तो और उल्टा चला जाएगा राइट right? एंड फिर नॉट नो दिस इज नॉट करेक्ट राइट तो दिसन बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा अगर ये यह यहां पर है और ये तीन किलोमीटर यहां है यहां पहुंचेगा और वन किलोमीटर नॉर्थ गया तो यहां पहुंच जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये क्या बोल रहा है द फोर ब्रांचेस ऑफ कंपनी आर लोकेटेड एट एम एन ओ एंड पी एंड ऑफ एम इस यहां पर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का बताया तब तक क्वेश्चन नहीं होगा north, south, east, and west. Right. इस पे क्या बोला जा रहा कि एम इज नॉर्थ ऑफ एन राइट तो हमारे पास जो एम है वो यहां है और यार एन जो है वो यहां पर क्लियर ये ध्यान देने की जरूरत है हमारे पास ऐसा तरीका है क्लियर है एट डिस्टेंस ऑफ फोर किलो हमारे पास फोर किलोमीटर है क्लियर है साउथ ऑफ ओ है ना पी जो है वो okay, south में बाद में देखेंगे सुन so, so देखिए कौन सा ये है है ना? तो so, 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 जो एन है, वो इस direction में होगा से, o से by one इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगी ये इसकी ए होगी देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है ये होती है right? राइट तो जो एन है वो साउथ ईस्ट में है ओके okay, तो बाय वन किलोमीटर की डिस्टेंस है क्लियर ध्यान देने की जरूरत है अब आपसे क्या बोला जा रहा यहां पे देखिए अब ये P की बात करते हैं P साउथ ऑफ O जो P है वो O के साउथ में तो ऑब्वियसली P हमारे पास यहां होगा साउथ में होगा इस तरह से क्लियर है और ये बोल रहा है टू किलोमीटर तो यहां से ये यह हमारे पास टू किलोमीटर रखा है अब आपसे क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट कि वट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड पी सुन एम और पी की डिस्टेंस निकाले राइट तो सुन मेरे को क्या चाहिए देखो मेरे को डिस्टेंस निकाले तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि सुन, आपको आपको डिस्टेंस निकाले तो आपको ये ये निकालना है सुन ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल निकालने तो अगर आपको हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल निकालें तो एक तो आपको यहां पर यह पता पड़ जाए कि यार ये बन जाए देखो एक तो आपको ये चाहिए और एक आपको ये चाहिए राइट अगर ये पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए तो आपका काम खत्म हो जाएगा तो एक तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए आराम से निकाल सकते सकता सुन सुनिया से देखो ये हमारे पास वन किलोमीटर हम जानते ये फोर्टी फाइव एंगल पे होगा बिकॉज ये फोर्टी फाइव एंगल होता है राइट और ये वन किलोमीटर है अगर हमारे पास हाइपोटेनियस बन है तो यार ऑब्वियसली फोर्टी फाइव है और ये भी हमारे पास फोर्टी फाइव होगा तो ये एक्स और एक्स हो जाएगा और बाय पाइथोक और स्टे अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिकोडू वन स्क्वायर तो हम जानते हैं यार टू एक्स स्क्वायर जिकोडू वन तो यार एक्स वैल्यू हमारे पास कितनी होगी वन बाई रूट टू हो जाएगी इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी वन बाई रूट टू हो जाएगी सो मैं इस डायग्राम को वापस बनाता हूँ तो यार ये हमारे पास पी है ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई वन बाई रूट टू राइट मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं पर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है सुनिए हमारे पास एन है ये हमारे पास एम है हमें ये पता पड़ गया ये फोर है हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है राइट क्लियर ये वैल्यू क्या होगी क्लियर है अब हम ये खे? खे? हमें ये चाहिए क्लियर है हमें ये चाहिए सुनिए ये डिस्टेंस चाहिए है ना तो सुन हमारे पास ये डिस्टेंस क्या होगी आप देख रहे हो हमारे पास ये डिस्टेंस टोटल टू है दो है हमारे पास ये वन बाई रूट टू आप देख रहे वन बाय रूट टू है राइट तो अगर इस दो में वन बाई रूट टू माइनस कर दो तो किया जाएगा इसका मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी वन माइनस वन बाय टू हो जाएगी अरे भैया ये टोटल टू है उसमें से ये by root minus कर देंगे तो जाएगा इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या आ टू माइनस वन बाय टू हो जाएगा तो ये टोटल डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया सिक्स माइनस वन बाय टू आपको ये पता पड़ गया ये पता पड़ गया, पता पड़ गया तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो जानते हैं पी एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इसका स्क्वायर मतलब सिक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर इस रूट हमारे पास आ जाएगा बाय द येगा पी एम जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर छत्तीस होगा माइनस का यह आएगा ट्वेल्व बाय टू एंड प्लस ये आएगा वन बाई टू और इसका स्क्वायर भी हमारे पास वन बाय टू होता है राइट इसमें हम जानते हैं पी एम यह आएगा वन बाय टू वन बाई टू वन यह आएगा हमारे पास थर्टी सेवन राइट एंड ये आएगा हमारे पास टू सुन रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये नीचे टू हो जाएगा ये तो इस टू से कैंसिल करेंगे तो माइनस का सिक्स रूट टू और हम जानते हैं स्वन सिक्स रूट टू की वैल्यू क्या होगी स्व सिक्स और रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर के आसपास होती है अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ ये विच इज अप्रोसीमेटली राइट वन पॉइंट फोर वन टाइप की होती है तो ये हमारे पास हो जाएगा एट पॉइंट फोर और एट पॉइंट फोर उठाकर यह रखेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास थर्टी सेवन माइनस एट पॉइंट फोर तो हम जानते हैं इस ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्वीन पी एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा अंडर रूड ऑफ थर्टी सेवन गया एट में से तो ट्वेंटी नाइन एंड ये आएगा हमारे पास ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स आ जाएगा राइट इसमें ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स आएगा और इसका जो रूट आएगा वो अप्रोक्सिमेटली फाइव के आसपास आएगा दैट इज़ फाइव पॉइंट थ्री फोर जो आएगा ये हमारे पास आंसर आएगा सो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इस तरह से इस क्वेश्चन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व एक और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है माइकल लिव 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर आई लिव तो मान लीजिए मैं यहां रहता हूँ राइट ये मैं रहता हूं, मैं रहता हूं, मैं रहता राइट क्लियर है और जो माइकल है वो यहाँ रहता है टेन किलोमीटर अवे राइट ये टेन किलोमीटर अवे तो मैं इसकी जगह नीचे लिख देता हूँ टेन राइट टेन किलोमीटर अवे माइकल रहता है राइट एंड अहमद फाइव किलोमीटर अवे तो ये पांच किलोमीटर अहमद रहता है तो ये अहमद जो है वो पांच किलोमीटर है मैं, मैं लिख देता हूँ पांच किलोमीटर राइट है ना एंड सुशान लिव सेवन किलोमीटर अवे फ्रॉम वेर आई लिव और सुशान जो है वो सेवन किलोमीटर है ना ये सेवन किलोमीटर रहता है क्लियर है ठीक है ना वेर आई लिव है ना फ्रॉम द अब आपसे बोला जा रहा है कि अरुण इज फर्दर अवे क्या बोल रहा था यहां पर अरुण इज फर्दर अवे दैन अहमद है ना अरुण जो है वो अहमद से दूर है एंड क्लोजर टू सुशान है इसका मतलब जो अहमद आएगा वो यहाँ पे आएगा राइट ये हमारे पास यहां पे क्या सॉरी अरुण के बारे में बात हो रही है यहां पे कि अरुण के बारे में बात देखो ये तो हमारे पास अहमद ये सुशान है और माइकल है राइट अब अरुण के बारे में बात हो रही है सुन की जो अरुण है हमारे पास क्या बोला जा रहा है सुन अरुण के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अरुण जो है वो अहमद से तो दूर है पर सुशान के क्लोजर इसका मतलब वो शुशान इसका मतलब वो के क्लोजर इसका जो डिस्टेंस होगी वो सेवन के आसपास रहेगी राइट है ना तो आपको ये देखने की जरूरत है कि वट इज द पॉसिबल डिस्टेंस एट विच आई लिव फ्रॉम द प्लेस तो आपसे पूछा रहे कि अरुण पे कितना डिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली अरुण की जो डिस्टेंस होगी वो सुशान से तो कम होगी राइट है ना पर अहमद से क्या होगी ज्यादा होगी राइट तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या सुन सिक्स पॉइंट जीरो देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि तो अहमद से कम हो रही राइट सेवन पॉइंट जीरो सकता क्योंकि सुशांत से ज्यादा हो रही राइट तो ये अहमद से दूर है और सुशां के पास है तो इस दिस इज द द्स पॉइंट जीरो इज द करेक्ट आंसर क्लियर है तो इस तरह से यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है पर्सन वॉक्स ट्वेल्व किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड फिफ्टी किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड आफ्टर देन नाइनटीन किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन फिफ्टीन किलोमीटर ड्यू साउथ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड चार ऑप्शन देखा एसवीन दिस इज गेट प्रीवियस क्वेश्चन और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. सुनिए मेरा जो नया चैनल है इस पर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ. गेट पे प्रीवियस ईर क्वेश्चन पे टाइम एंड वर्क का स्टेड में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है मेरा जो नया चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे इस में बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन था ये लास्ट क्लास में मैंने पूछा था और इसका जो राइट आंसर है वो ट्वेंटी पॉइंट सिक्स वन है और काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया सो कॉन्ग्रचुलेन ऑल ऑफ यू और लास्ट मेरी गेट की जितने भी प्रीवियस ईयर वीडियो हैं उनकी प्ले लिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैंने गेट एन सी एस आर एट और आई डी जी में एग्जाम पे काफी अच्छी स्ट्रेटेजी और काफी सारे बता रहे तो वो आप जाके देख सकते हैं सुन मेरे चैनल को यहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे पे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच वॉचिंग मी लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए धन्यवाद